ये कंपनी वाले कई कस्टमर को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 299 के रिचार्ज में कस्टमर को 1 GB डेली इंटरनेट मिल रहा है और 349 के रिचार्ज में कस्टमर को 1.5 GB इंटरनेट मिल रहा है, और जबकि दूसरे कस्टमर को मिल रहा है 299 के रिचार्ज में अनलिमिटेड UL और 1.5 GB इंटरनेट, और 349 के रिचार्ज में उसको भी वही ऑफर मिल रही है, 1.5 GB का डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग। यानी कि रिचार्ज की जो ऑफर है वो सेम है, लेकिन प्राइस कम ज़्यादा है, 299 और 349, 50 रुपये का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन जो ऑफर है रिचार्ज की वो सेम ही है, 1.5 GB का इंटरनेट दोनों तरफ दिखा रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफर फॉर यू, इसमें 349 का जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, 349 का, उसमें 1.5 GB का इंटरनेट 28 दिन के लिए, और जो तो उसमें भी सेम ही है। और जो नए कस्टमर को देख सकते हैं आप, 249 में 1 GB इंटरनेट मिल रहा है, जबकि ये ऑफ़र कुछ कस्टमर के लिए 299 की ऑफ़र है, यानी कि 300 रुपये की ऑफ़र है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ कस्टमर को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट क्यों